कमजोर आदमी यार, पेटिशन चोरी के लिए निकाल दूंगा। बाकी तो कमजोर तो होगी, और होगी यार। मूवमेंट देख लेना एक बार, मेरा बैंड रखा हुआ उस पे, एल्बो इंजर्ड है, गाल फाड़ दें तेरी उसकी भी। हाँ भाई नहीं चाहिए बिल्कुल भी। राम राम सारे भाई को, कैसे हो सारे सारे, आशा करो सारे सारे ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल विपिन गुजर टाइगर फिटनेस क्लब, तगड़े रहो। तो गाइज आज करेंगे चेस्ट ब्लॉग, बनाएंगे चेस्ट के ऊपर। बहुत बच्चों की डिमांड है, बहुत मेरे भाइयों की डिमांड है कि यार चेस्ट का वर्कआउट बता दो, चेस्ट का ब्लॉग बना लो। तो आज स्पेशली हम चेस्ट का वर्कआउट करेंगे, मूवमेंट के हिसाब से वर्कआउट करेंगे, कितने सेट करने हैं, कितने से सबकी सब दिखाऊंगा। बाकी चैनल पर बने रहो, तगड़े रहो। तो गाइज सचिन की तैयारी अभी स्टार्ट हो चुकी है, अभी तारीख है आज 12, तो 12 अगस्त को दिखाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, एक महीने वाली कितना चेंज होती है, बॉडी कैसी होती है सब बताऊंगा, क्या करना क्या नहीं करना सब दिखाऊंगा। तो गाइस अब करते हैं वर्कआउट स्टार्ट, थोड़ा वार्म करेंगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे। वर्कआउट से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, सबको बोलता हूँ मैं हर चीज़, क्योंकि बहुत से भाई होते हैं कि आए सीधा वर्कआउट पे स्टार्ट हो गया, नहीं पहले स्ट्रेचिंग फिर वार्म अप फिर सेट लगाएंगे, ठीक है। तो आज मारेंगे हम चेस्ट, हाँ कल मार लेंगे। गाइस वॉर्म हो गया खत्म, अब चलते हैं सेट की तरफ। पहले हमारा इंक्लाइन बेंच, पहले एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच, रेपिटेशन मैंने 15-12-10 चार सेट मारेंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लाइट वेट बेबी, सीधा 35 ले रहे हैं, चलो भाई उठा दे एक और तो दे। वेट मारना अपने अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, कल को बोलो भाई ने बता दिया लाइट वेट है, कभी इंजरी लेके बैठे रहो भाई, इसलिए ईगो लिफ्टिंग ना करो, जितना आपका मसल झेल सकता है वेट को उतना मसल मारा करो, जितना प्रॉपर आपके आ रहा मसल पे। मुझे सालों साल हो गए करते हो, 13 साल हो गए उनको वर्कआउट करते करते, जिंदगी निकल गई इसी लाइन में, अभी वो आगे जिंदगी बहुत पड़ी है इसी में निकाल देंगे। नेक्स्ट वर्कआउट मारेंगे बटरफ्लाई, एक बार बटरफ्लाई की मूवमेंट दिखाऊंगा, और इतना लोग गलत मारते हैं, खासतौर पर जो बिगिनर बच्चे हैं वो जरूर देखें इस वर्कआउट ब्लॉग को, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं गलत वर्कआउट करते हैं, ऐसी बटरफ्लाई होगी केबल होगी। चलो स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज है बटरफ्लाई, एक बार मूवमेंट और ग्रिप देख लेना, सीट अपने शोल्डर बराबर रखा करो, कोई ऊपर कोई नीचे कर देता है, ठीक है, जो आप मसल ट्रेन कर रहे हो उसको टाइट रखा करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रेपिटेशन 15-12-10 मारोगे, वेट अपने अकॉर्डिंग मारोगे, बार बार यही बार बोल रहा हूँ मैं कि ईगो लिफ्टिंग ना करें और अपने मूवमेंट पे ध्यान दिया करो, क्योंकि मूवमेंट के चक्कर में आप वर्कआउट खराब कर देते हो, अगर मसल की मूवमेंट ठीक नहीं होगी ना तो कभी रिकवरी भी नहीं करेगा, कभी बढ़ेगा भी नहीं, इसलिए मसल को माइंड करेक्शन दिया करो तभी वर्कआउट किया करो। बटरफ्लाई की मूवमेंट रहेगी, शोल्डर पे ज्यादा लोड ना पड़े आपके, इतना सीट अपने शोल्डर बराबर रखोगे, जो सीट है ना ऊपर ना नीचे, शोल्डर बराबर, ग्रिप देख लो एक बार, ये बहुत से भाई ये कर देते हैं, बहुत से ये कर देते हैं, तो बिल्कुल नहीं करोगे, जितना आपका शोल्डर है उतना करोगे, मोस्टली इंजरी बटरफ्लाई से भी होती है। ये देखो 1, मसल टाइट रखोगे और बटरफ्लाई में हाथ से ज़्यादा चेस्ट को यूज़ करोगे, ये 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 यस, जो आप जिस चीज़ का वर्कआउट कर रहे हो मोस्ट उसको फ्लैक्स करा करो, फ्लैक्स जस्ट चेस्ट यहाँ दबा दिया, ये प्रेस होल्ड करोगे मसल को, जितना आपसे हो सके उतना टाइट करोगे और होल्ड करोगे। 2, 3, 4, 5,
सिक्स एट, एल्बो ऊपर नीचे बिल्कुल ना जाए, ये बात ध्यान रखना आप। और ये देखो मसल चेस्ट का, हाँ तगड़े रहो, अपनी डाइट का ध्यान रखा करो। बहुत से भाई लोग हैं, वर्कआउट करा, मौसम अच्छा हो रखा, बाहर निकले घूमने चले गए, इधर चले गए तो चलोगे घूमने जाओ, मौसम का मजा लो, पर पहले डाइट है, फिर रेस्ट है, फिर कहीं भी जाओ। अभी ऑफ बिल्कुल, मतलब इस वीक के एंड में गेन करूंगा, कैसे गेन करूंगा, कितना गेन करूंगा, कितना वेट गेन करूंगा, किस चीज से गेन करूंगा, सारा बताऊंगा, सारा समझाऊंगा। खास तौर पे जो मेरे भाई जो मेरे को लाइक करते हैं गेनिंग के लिए, उनके लिए बहुत सी चीजें लेके आने वाला हूं, जैसे कि डाइट, वर्कआउट, सप्लीमेंट, सब चीजें बताऊंगा। कितना मसल मास, कितने दिन में गेन होगा, कैसे होगा, सब बताऊंगा। तो गाइस, फोर्थ एक्सरसाइज ऑफ फ्लैट बेंच, वो देख लेना एक बार, कहां लेनी है, कितनी ग्रिप रहेगी। चलो रोड अपने शोल्डर अकॉर्डिंग, बार बार बोलता हूँ, जिस मसल को ट्रेन करते हो उसको फ्लेक्स भी करा करो, फ्लेक्स से मसल का पंप बढ़ जाता है और जो उसका स्पेस होता है वो खुल जाता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग करा करो, कि जैसे मसल हमारा ही चेस्ट मारी आज हमने होल्ड, ठीक है। मोस्टली भाइयों की अपर चेस्ट बहुत वीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ जैसे कि आपका जो मसल वीक है पहले उसी को ट्रेन करो, पहले उसी को पंप कर लो अच्छे से। मोस्टली अपर चेस्ट वीक है, इंक्लाइन बेंच, इंक्लाइन डंबल प्रेस, बटरफ्लाई, उन भाइयों के लिए बहुत अच्छी चीज है। बहुत से भाई बोलते हैं भाई अपर चेस्ट नहीं बढ़ रही है हमारी, लोअर नहीं बढ़ रही है, तो इसलिए वो वर्कआउट इसलिए बना रहा हूँ आज कि अपर लोअर मिड चेस्ट कैसे ग्रो होगी, कितनी ग्रो होगी, एक बार वीडियो को जरूर देखे जाके, बहुत मजा आने वाला है, एक बार फील हो जाएगा कि भाई वर्कआउट कराया कुछ। चलो वेट बढ़ाओ, तो गाइस ग्रिप देख लो एक बार, एक ब्लांक, ठीक है। मेरी तो खैर ब्लांक बड़ी है, तो अपने अकॉर्डिंग लगाना, बाकी शोल्डर से बाहर ना जाए, शोल्डर के अंदर ना रहे, ठीक है। चलो जैसे टच किया करो, बहुत से भाई ये कर देंगे नहीं, आज वाकई में बहुत ज्यादा चेस्ट पंप हो रही है, मतलब काफी टाइम बाद वर्कआउट अच्छा हुआ है, बहुत दिनों बाद लगा कि हाँ कुछ वर्कआउट करा आज, क्योंकि अभी ऑफ आ रखा हूँ तो मन करता नहीं है। बाकी इस वीक के बाद प्रॉपर तैयारी करूंगा, गेनिंग करूंगा, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगा। बाकी अभी मूड कुछ है कि बड़ा करने का, तो जल्दी बताऊंगा भाइयों को अपने को। गाइस फ्लैट बेंच का लास्ट सेट है, चलो रेपिटेशन जितना आपसे लग जाए, मतलब 8+ होने चाहिए। चलो टाइम से मसल में इंजरी चल रही है, एल्बो में है, लिगामेंट इंजर्ड हो रखा है, काफी टाइम हो गया इंजरी से जूझ रहा हूँ अभी कुछ टाइम से, अभी एल्बो रिकवरी नहीं मिली, अभी लिगामेंट दर्द काफी, मतलब ये कि अपने हिसाब से वेट लगा रहा हूँ, जितना हो पा रहा उतना कर रहा हूँ। चलो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मारेंगे, इसके लिए लोअर चेस्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है लोअर डिक्लाइन बेंच। मोस्टली भाई को बड़ी दिक्कत होती है कि भाई चेस्ट लोअर हमारी बढ़ ही नहीं पा रही है, मतलब कि फैट भी है, कोई फैट के चक्कर में गाइनो समझ बैठते हैं कि भाई हमारे गाइनो है, नहीं कुछ चीजों को देखा करो, पेन हो रहा है गाइनो में या फैटी है, बहुत से भाई की चेस्ट से फैट है, ऑपरेशन करा दिया, नहीं एक बार अपने जो अच्छे कोच है, बेस्ट कोच है, उनको दिखाया करो, जो आपके गाइडेंस में अच्छे हैं उन दिखाया करो। मेरे पास बहुत से बच्चे हैं कि भैया चेस्ट में गाइनो है, बट नहीं उनके गाइनो नहीं थी, किसी के फैट था, किसी का ओवर फैट हो रखा है, तो सबका हुआ है, रिकवरी दी है। चलो तो अब लगाएंगे डिक्लाइन बेंच, चलो भाई वेट लगाते हैं इसमें। तो गाइस बहुत से लोग भाई वेट नहीं लगा पाते अपनी मशीनों में, शर्म आती है उन्हें वेट लगाते हुए, नहीं एक बार बता देता हूँ, आज जितना आप वेट को उठाओगे, वेट को लगाओगे, आपकी इतनी ही ग्रिप मजबूत होगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उसका उठा के लगा नहीं पाओगे, को आप जान ही नहीं पाओगे इसमें कितना वेट है। चलो एक बार मोमेंट दिखा देता हूँ, बहुत से भाई डिक्लाइन बेंच ऊपर ऊपर मार देंगे, कोई शोल्डर इंजर्ड कर देंगे, मोस्टली भाइयों की शोल्डर इंजर्ड हुई है, क्यों कि मोमेंट तो पता नहीं है, बस पेलने से मतलब है, नहीं एक बार देखो ग्रिप और कहां तक आनी है ग्रिप, अपने शोल्डर बराबर कहां तक लेके आनी है ये देखना बस एक बार, ये देखो ये। छोटी सी हिंट देता हूँ भाइयों के लिए, बहुत से भाई परेशान हैं लोअर चेस्ट को लेके, ठीक है, कि भाई लोअर चेस्ट का फैट कैसे कम करें। वीक में 3 दिन केबल क्रॉस, बार डिप्स, पुलओवर, केबल के 150 से 200 रैप लाइट वेट से, बार डिप्स से 50 से 60 रैप, 4 सेट पुलओवर के, मार के देखना, फॉलओवर के देखना, मजा ना आ जाना तो बता देना। मैं तो खैर कराया मैंने, देख भैया को दिखा, भाई को दिक्कत थी लोअर चेस्ट की, पहले से बहुत बेटर है। तो गाइस लास्ट सेट है डिक्लाइन बेंच का, ईगो लिफ्टिंग ना करें, ईगो बता देता हूँ। चलो भाई डिक्लाइन बेंच की ईगो लिफ्टिंग बताता हूँ, बहुत से भाई वेट भर देंगे, हाथ गए पीछे, शोल्डर इंजरी, नी इंजरी, क्योंकि मोस्टली भाई क्या करेंगे, दो भाई खड़े हुए, अरे मारो ना वेट मारो ना, क्यों मारो भाई, गधे थोड़ी हो, लंबी रेस के घोड़े हो, ठीक है, तो लंबी रेस का घोड़ा भागता है, हो जा नहीं होता कभी भी। तो गाइस एक्सरसाइज है, बहुत से भाई केवल में गलती बहुत सी करते हैं, एक बार देख लो, जिस भाई का बैलेंस ना बनता हो वो अपना एक पैर आगे ले आए, हाथों की मूवमेंट देखो एक बार, ये ना शोल्डर भगेगा, ना चेस्ट भगेगी, ना बॉडी भगेगी, अपने आप को एक जगह लॉक कर दो, ठीक है, ये करना बोलो, मूवमेंट देखो एक बार,
ठीक है, बहुत से भाई ये करेंगे ये करेंगे, कोई हाथ ऐसे जा रहा है नहीं, देखो कंट्रोल, देखो हाथों का मसल माइंड कनेक्शन बहुत जरूरी है मसल में, ये केबल के बाद लास्ट ट्राई पुल ओवर, बहुत अच्छी है सही है पुल ओवर चेस्ट के लिए, मोस्टली डिक्लाइन बार डिप केबल पुल ओवर बहुत सी, ये चार चीज ऐसी हैं जिसके लोअर चेस्ट फैटी है, ये बहुत भाई परेशान है भाई लोअर चेस्ट में फैट है, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जरूर करें चेस्ट के वर्कआउट जरूर ऐड करें चारों एक्सरसाइज को। चलो तो गाइस केबल का लास्ट सेट है भाई की लोअर चेस्ट में फैट है, और रेपिटेशन में 150 से 200 रखें, बाकी अपना जो बेसिक है वो 18, 15, 12 रखें। तो लास्ट एक्सरसाइज मारेंगे पुल ओवर ओवर चेस्ट का वर्कआउट, चलो आओ। तो गाइस लास्ट एक्सरसाइज है पुल ओवर, एक बार मूवमेंट देख लेना, बहुत से भाई इसमें गलती करते हैं। चलो ये अपने मसल को टाइट कर दो और एल्बो चेस्ट को लॉक करो, ये फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। वर्कआउट में नोटिस करना मेरी एल्बो इधर या उधर नहीं गई, बिल्कुल भी बराबर गई है। समीर ब्लॉग बनने के लिए बहुत डिस्टर्ब करते हैं यार ये, ठीक है आपने भी मूवमेंट देखी होगी पुल ओवर में, ना इधर मतलब मसल को पकड़ के बस मसल आपको यूज़ करना पुल ओवर में। बहुत से भाई अपना बैक पे लिया है कि बैक पुल ओवर बैक में आ रहा है, चेस्ट में आ नहीं रहा, शोल्डर में आ रहा है, तो मसल माइंड कनेक्शन अपना रखा करो। तो आज का वर्कआउट यहीं ख़त्म होता है, अपना प्यार चैनल बनाए रखें, वीडियो को देखना पूरी वीडियो देखना बिल्कुल देखना भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है बहुत सी चीज़ें इसमें डाली हैं, बहुत से भाई लोग क्या करेंगे स्किप करी नहीं, कुछ चीज़ें छोटे भाइयों के लिए डाली हुई है कि वीडियो को जब तक आप ना देखोगे पूरी तब तक आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना, चैनल बने रहना, सब्सक्राइब करना ना भूले, तगड़े रहे, लव यू ऑल।